मथुरा की कुंडली में पितृ दोष है। पंडित जी ने बोला है कम से कम एक साल तक। आपकी इच्छा का मान रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं एक साल तक दुकान नहीं जाऊंगा। राजा, ये कसम निभाने का टाइम नहीं है, मम्मी जी की जान बचाने का है। अगर अब तुम दुकान के अंदर पैसे लेने के लिए नहीं गए ना, तो मम्मी जी की जान भी जा सकती है। समझो ना मेरी बात को प्लीज राजा, कुछ करो। किसी भी तरह राजा को दुकान के अंदर भेजना ही होगा, नहीं तो मोटा पापा का असली चेहरा राजा के सामने नहीं आ पाएगा। राजा, देख अभी तू चुपचाप से बैठ के खाना खा, उसके बाद तेरे को जो करना है तू कर। हाँ चल खाना खा, चल। हो या ना हो, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज मेरे राजा बेटा का जन्मदिन है। भगवान तुझे दुनिया भर की खुशियां दे। अरे राजा देखा मुझे क्या हुआ, बेवकूफ, इधर आ, क्या करता रहता है तू, हट इधर। मम्मी। हाँ। पैसों का इंतजाम किया कि नहीं, तेरी माँ की टेंशन नहीं है तुझे, सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास, अगर पैसे नहीं मिले तो तेरी। राजूड़ा की कुंडली में पितृ दोष है। सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास, अगर पैसे नहीं मिले तो तेरी। ये कसम निभाने का टाइम नहीं है, मम्मी जी की जान बचाने का है। पैसों का इंतजाम किया कि नहीं, तेरी माँ की टेंशन नहीं है तुझे, कोई जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजूड़ा की कुंडली में पितृ दोष है। ये कसम निभाने का टाइम नहीं, तेरी माँ की टेंशन नहीं है तुझे, दुकान के अंदर पैसे तो मम्मी जी की जान भी जा सकती है। मम्मी जी की जान भी जा सकती है। मम्मी को बचाना पड़ेगा, मम्मी को बचाना पड़ेगा, मम्मी को बचाना पड़ेगा। थैंक यू। Jai Jai Shri Nath Ki।
पूजा विधि संपन्न हो गई। अब आपका एक मिनट में राजयोग शुरू होने वाला है। अब आप खड़े होकर कुर्सी पे बिराजिए। आज से इस दुकान का मालिक मैं हूं, कुनवंत रेशमिया। अहल्या। हाँ पापा। तो मैं कुर्सी पे बैठू ना, एक मस्त वीडियो बनाना है। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है। राजा, बस आज तुम तिजोरी तक पहुंच गए, अब मोटा पप्पा प्यार का नाटक और नहीं कर पाएंगे। ये तो अनर्थ हो गया। 11:30 बजे तक गुणवंत सेठ जी को कुर्सी पर बैठना चाहिए था। इसका मतलब ये कि राजा का राजयोग शुरू हो गया। राजा, तो
अगर ये वसीयत नहीं होती ना तो तुझे और तेरी माँ को कब का लात मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने। इस दुकान से भी और घर से भी। तेरी मां जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मोटा भाई गजब, आज खराब बोल के ना आपने अपनी खोटी नियत का पता दे दिया। क्यों मोटा भाई क्यों बताइए, मुझे जवाब चाहिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए, बोलिए क्यों। हमने क्या आपकी आपकी इज्जत नहीं की या कभी कभी भी किसी चीज पर हमने सवाल उठाया? उठाया हमने सवाल मोटा भाई, बोलिए ना उठाया। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मोटा भाई आप ये कर सकते। दिन रात अपने राजा को यही सिखाया कि तेरे मोटा पापा तेरे सब कुछ है, सब कुछ है सब। राजा के पापा के जाने के बाद मोटा भाई एक आप ही तो थे इस घर में, जिसके इरादों पर और आवाज पर मैंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कभी नहीं मोटा भाई कभी नहीं। फिर क्यों क्यों किया ये सब मोटा भाई, मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्यों किया, क्यों किया बोलिए, क्यों किया, क्यों क्यों किया सब? ए आशा, किसी दूसरे को शैतान बोलने से पहले आईने में देख ले पहला। अरे तेरी कहानी भी गोलम गोल है।
किसी ने पहले 10 लाख रुपए मांगे, फिर बिना टेंशन के रेशम या मेंशन वापस भेज दिए, कैसे? वो क्या है ना मोटी मम्मी, सच को सामने लाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। आप दोनों का सच सामने लाने के लिए मैंने ये ड्रामा किया। बुरा हुआ ससुर जी, आपकी असलियत तो सबके सामने आ गई। देखा राजा, मैंने कहा था ना तुमसे, दुकान इनके नाम पर होते ही इनका चेहरा पलट जाएगा। देखो ये बेशरम बहू का नाटक अभी भी बंद नहीं हुआ है। धनु के गुजर जाने के बाद खून पसीना भाग के इस दुकान को आगे किसने बढ़ाया? मैंने। अरे मगजमारी करके टेंशन पाल के दुकान को आगे किसने बढ़ाया? मैंने। दबल, दुकान किसकी हुई? गुड़वंत रेशमिया की, और किसकी? हमने जो भी किया हमारे हक के लिए किया है। हाँ, अपना हक पाने के लिए हमने राजा से झूठ बोला, उसके साथ प्यार और अपनेपन का नाटक किया। अभी तुम तीनों जहां भी जाके मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों पहले करना चाहिए था वो मैं आज करूंगा।
तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी मोटा भाई कि आप राजा के साथ ऐसा कर सकते। बस हाँ, अबे बस बंद करो अपना ये आंसू का गंगा जमुना बहाना। ये दुकान मेरी है, मेरे नाम पर है, कुणवंत रेशमिया के नाम पर है दुकान, और मैं अपनी दुकान किसी को नहीं दूंगा। ससुर जी भूल गए आप, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। माफ करना बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। अगर राजा को आज उसका हक मिला है तो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तू उसके सच के साथ खड़ी रही। दूसरों को हक दिलाने का बहुत शौक है ना तुझे। निकलो यहां से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना घर में और ना दुकान में। आज और इसी वक्त से मर गए आप दोनों मेरे लिए। राजूरा हमें माफ कर दे बेटा, हमसे गलती हो गई, हमारी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई थी बेटा, माफ कर दे बेटा, तेरी पड़ती हूँ, फिर हाथ जोड़ती राजूड़ा, बेटा माफ कर दे बेटा, बेटा माँ, अगर सरा सी भी शर्म बाकी हो ना, तो इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, ऐसा, जहाँ जाके मरना है ना, दोनों जाके मरो, पता फर्क पड़ेगा ना मेरे को ना राजा को, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो इधर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की राजा? हाँ, मैंने नाटक किया तुझे झूठा प्यार करने का, लेकिन प्यार तो किया ना, तुझे अपने बगल में बिठा के दुकान की गद्दी में बिठाया ना। अगर उस समय मैं दुकान की जिम्मेदारी नहीं उठाता ना, तो तू और तेरी मां दोनों सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं। अभी दिल और दिमाग अपनी जगह पे रख के सोच, अगर तेरे बाप ने मेरा हिस्सा तुझे दे दिया, अगर उसने सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा, तो मैं क्यों अपने परिवार के बारे में ना सोचूं? क्यों ना सोचूं मैं? अरे तुझे तो मेरे पांव धो धो के पीने चाहिए राजा, तुझे पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ पाल पोस के बड़ा किया मैंने तुझे, नहीं तो तू भी इस नौकरानी की तरह किसी झोपड़पट्टी में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। राजा एक बात याद रखी ले, तू जिंदगी में अपना दिल ऐसे ही बड़ा रखना। मुझे माफ करना मोटा पापा मोटी मम्मी, आप लोग जैसे भी हैं हैं तो मेरे अपने ही, ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता मैं आप लोगों को, मैं कुछ भी करूं लेकिन अपने पापा के संस्कार नहीं भूल सकता मैं। राजा
ये क्या कह रहा है तू? इतना सब जानने के बाद भी? राजा तू पागल हो गया क्या? हाँ, पहले तो मुझे लगता था कि सारी कलाकारी मोटा भाभी की है, लेकिन अब पता चला असली कलाकार तो ये मोटा भाई है। राजू तू ज्यादा मत सोच बेटा, बस इन लोगों को निकाल इधर से, बाहर निकाल इधर से। नहीं मम्मी, मान तो इनका अपनापन झूठा था, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा था ना। आप ही ने कहा था ना मोटा पप्पा, अरे छोकरो क्या फर्क पड़ता है वसीयत किसके नाम है, दिल से तो ये दुकान तुम तीनों भाइयों की है। मैं तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ कर कहता हूं, इस कागज के टुकड़े को रिश्तों के बीच में मत आने दो। सही कहा था आपने, पप्पा भी यही कहते थे। सही कहा था आपने, भले झूठ क्यों ना कहा, आपने जो किया सो किया, लेकिन हमारा रिश्ता तो अब भी वही है। आप अब भी मेरे पापा के बड़े भाई और मेरे मोटा पापा है, और आप मेरी मोटी मम्मी है। आप मुझे समझ ही नहीं पाए मोटा पापा, आप एक बार कह के तो देखते, मैं एक मिनट नहीं लगाता दुकान आपके नाम कर देता। इतना सब झूठा दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोटा पापा और मोटी मम्मी के इरादे कैसे भी क्यों ना, लेकिन सच तो ये है कि राजा शूटिंग शटिंग का नाम आज जो है वो इन दोनों के बिना इतना बड़ा नहीं होता। भले नाम से मालिक मैं क्यों ना हूं, लेकिन काम के कारण तो मोटा पप्पा ही मालिक है इस दुकान के। और सिर्फ सिर्फ मोटा पप्पा ही क्यों, हितांग भाई ने भी बहुत मेहनत की है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जहां तक मुझे याद है, पप्पा ने हमेशा से मुझे बस एक ही चीज सिखाई थी, हर किसी का बस अच्छा करना और दिल से करना। आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी करना। और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझूं और संभालूं, जैसे कि पप्पा चाहते थे। तभी तो ये दुकान मेरे नाम करके गए। राजा शूटिंग शर्टिंग का मालिक अभी भी मैं ही हूं मोटा पप्पा। जैसे आज तक आपके और मेरे हिसाब से सब कुछ था, दुकान पे सब लोग मिलके ही काम करेंगे। दुकान मेरे ही नाम रहेगी। आप लोग घर और दुकान में जैसे रह रहे थे वैसे ही रहिए। आप लोगों की कुछ भी जरूरत होगी तो मैं अपने परिवार की तरफ पूरी जरूर करूंगा। सच तो ये भी है कि इतने सालों से मोटा पप्पा ने मेहनत करके दुकान चलाई। अगर मोटा पप्पा नहीं होते तो शायद बचपन में मैं पप्पा के साथ साथ ये दुकान भी खो देता। तो हितांग भाई और मोटा पापा को अपनी मेहनत की कीमत तो मिलनी चाहिए। तो आप लोग पहले की तरह अब भी दुकान पर आ सकते हैं। जैसा सब कुछ था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार टूटे और हमारे धंधे पर बुरा असर पड़े। आप लोगों ने जो मेरे और मम्मी के साथ किया है वो गलत था, लेकिन आप लोग बड़े हैं, मुझे आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
मेरा जो विश्वास टूटा है वो तो कभी नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा।